हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग रुके थे दिल्ली टू कटरा, हम आए थे तो हम जब दोपहर के टाइम आ गए थे या सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए थे 7 या 8 बजे, तो हमने ये वाला होटल में चेक इन किया था। ये है त्रियानी पैलेस। सो इसका हमारा 5 दिन या 4 दिन का खर्चा आया था 18,000 रुपीज़, और हम गए थे अप्रैल में। तो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा, लेकिन इससे ज़्यादा कॉस्टली अप्रैल में और भी बहुत सारे होटल्स हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो हम इस वाले होटल में रहते तो हमने 2 रूम लिया था, तो एक रूम का जो खर्चा था 3,500-4,000 रुपये का होगा। और इसमें रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऊपर भी मंगा सकते हैं। और 11 बजे से पहले पहले मंगा ले खाना तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप भूखे भी रहेंगे। तो 11 बजे से पहले हमने सोते रह गए, थक गए थे हम लोग जो चढ़ाई करके आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेकफास्ट टाइम चला गया था, तो इन लोगों ने भैया चाय तक भी नहीं दी थी। तो ये मुझे बहुत बेकार लगा कि एटलीस्ट आपको ब्रेड और चाय तो आपको 24/7 देना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग एक टाइम के बाद जो इनका मेन्यू में टाइम लिखा है उस टाइम के बाद अगर आपने ऑर्डर किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाथरूम में अब आपको दिखा रही हूँ कैसा है, तो बहुत ही एवरेज लुकिंग मुझे लगा ये होटल। जितना पैसा लिया था उस हिसाब से इतना कुछ अच्छी खासी सर्विस ठीक ठाक थी, मैंने कहूँ कि बहुत बेकार थी, ठीक था। लेकिन ये कि खाने का सीन थोड़ा सा हमारा हो गया था कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलते, इवन चाय यार बहुत क्रेविंग होती है। उस टाइम तो बहुत ठंडी थी, ठंडी क्या थी, ठीक ठाक मौसम था, लेकिन ये था कि चाय मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इनने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी टाइम 10, 10:30 बजे के बाद तो ये बिल्कुल ही कुछ भी नहीं देते हैं, क्लीनिंग और कुछ होता है इनका। तो आपको वार्डरोब में कुछ इस तरीके से वार्डरोब मिल जाएगा, सो अगर आपका मन है तो आप जाने से पहले देख सकते हैं। प्राइसिंग में भी आपको अप डाउन होती रहेगी, तो अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा हैवी टाइम पे ना जाए, जिस टाइम बहुत ज़्यादा रश है। तो हम अप्रैल में गए थे तो वहाँ पे नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा रश था। बाथरूम देख सकते हैं, डिसेंट बाथरूम है, कोई बहुत फैंसी बाथरूम नहीं, 3,500-3,000 रुपये में आपको ऐसे मिलेगा। साथ में आपको गीज़र भी मिलेगा, जो कि हमें गीज़र भी मिल गया था। और जो जो भी आपको एक्स्ट्रा सामान चाहिए होगा आपको इनको बताना पड़ेगा। यहाँ पे इनका खुद का एक रेस्टोरेंट है जो मैंने आपको दिखा दें, यहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। नॉर्मली भी अगर आप रूम में भी मंगाएंगे तो भी काफ़ी टाइम ले रहे थे खाना लेने में, तो इसके आप 1 या 2 घंटे पहले करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।